जितनी ये देखने में सुंदर लग रही है उतने खाने में स्वादिष्ट है। चलिए आज बनाते हैं हम अरबी के पत्तों की मसालेदार सब्जी। मैंने अरबी के पत्तों की पकौड़ी बनाई थी दोस्तों, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद करी। अब मैं अपनी मम्मी की रेसिपी लेके आई हूँ, अब की बार बिल्कुल नए तरीके से अरबी के पत्तों को बनाएंगे। अब इसके लिए मैंने देखिए अरबी के पत्ते लिए हैं। ये अरबी के पत्ते हमें बड़े लेना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और मैंने इस तरह के बड़े पत्ते 8 लिए हैं। ये 8 अरबी के पत्ते हैं। ये देखिए के लिए क्या मसाला चाहिए वो मैं बता देती हूँ। ये देखिए 2 चम्मच खड़ा धनिया है और ये 12 लाल मिर्च है। खड़ी मिर्च स्वाद अनुसार है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 लहसुन की कली है। ये आम का अचार है, 2 कली मैंने आम के अचार के लिए 2 फाकी और 1 स्पून जीरा है। और ये 5 चम्मच सरसों है, पीली वाली सरसों है दोस्तों। इन सभी मसालों को मैं सिलबट्टे पे पीसूंगी, आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। खड़े मसाला लेके ये सब्जी बनाइए आप, बहुत स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। चलिए बनाते हैं नए तरीके से अरबी के पत्तों की सब्जी। हमारे यहाँ तो इसे सप्ताह में 2 बार बनाया जाता है दोस्तों। आपने मेरे अरबी के पत्ते की पकौड़ी बहुत पसंद की है दोस्तों, इसे ज़रूर देखिए, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अरबी के पत्तों को पकौड़ी को बहुत पसंद किया है। चलते हैं फिर हम ये रेसिपी बनाने, सिलबट्टे पे पीसने जा रही हूँ। सिलबट्टे पे मैं सारे खड़े मसाले पीस रही हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ। खड़े मसालों को आप सिलबट्टे पे पीस के बनाइए दोस्तों, इसका स्वाद भी अच्छा आता है और ग्रेवी गाढ़ी भी बनती है। चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आगे दिखाती हूँ मसाले को पीस के। मसाला मैंने पीस के सिलबट्टे पे ले लिया है खड़े मसाले को। ये हमें इतना गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला करेंगे हम इसे तो ये अरबी के पत्तों में लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं ना, इसलिए हमें इतना गाढ़ा रखना है। अचार को भी हमने अभी हमने मसाले में पीसा नहीं है। अब हम अरबी के पत्ते को इस तरह हम फैला लेंगे, को फैला लिया है। अब इसे हमें मसाला नहीं लपेटना है, पहले इसे हम घड़ी करेंगे, फोल्ड करेंगे, इस तरह लपेटेंगे। ये देखिए अरबी के पत्ते में अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, खाली लपेट लिया। और जैसे गठान लगाते हैं ना, ये देखिए गठान लगा देंगे इस तरह अरबी के पत्तों को। ये रेडी कर लिया, एक और दिखा देती हूँ दोस्तों। ये अरबी का पत्ता ले लिया हमने, अब इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए हमें खाली लपेटना है, एक और दिखा रही हूँ। इस तरह मतलब लपेट लिया, अब इसमें एक नॉट बांध देंगे, जैसे हम रस्सी में नॉट बांधते हैं इस तरह नॉट बांधना है। ये देखिए इस तरह नॉट बांध लेंगे सभी पत्तों को। चलिए नॉट बांध के रेडी करते हैं लपेट के। मैं मैंने गठा नॉट लगा के रेडी कर लिया है इस तरह पत्तों को। इनमें अभी मसाला नहीं डाला है, मसाला हमारा पिसा हुआ रेडी है। चलते हैं अब गैस की तरफ, किस तरह इनको फ्राई करना है फ्राई करके दिखाती हूँ। तो इसे सरसों के तेल में बनाइएगा। ये देखिए मैंने सरसों का मस्टर्ड ऑयल लिया है, मैंने 1 स्पून हल्दी ली है। इस स्पून से मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करके हम एक बाउल लेंगे, सिलबट्टे पे पीस के जो मसाला लिया है वो 2 स्पून मैंने एक बाउल में निकाल लिया है इस तरह। अब हम इन पत्तों को उसमें लपेटेंगे, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम मसाले में। और मसाले में नमक मिक्स कर लिया है, हल्का हल्का मसाला लपेटेंगे इस पे, इस तरह पत्तों पे। अंदर तक मसाला नहीं करना है हमें, बस हल्का हल्का लगाना है चारों तरफ। मसाला इसके लग गया है मसाला, मसाले में इस तरह रेडी करेंगे। ये देखिए 2 चम्मच मसाला मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा नमक डाल के, बाकी नमक हम सब्जी में डालेंगे। अब इनको तलेंगे, फ्राई करेंगे। पत्ते खुलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। पत्तों को फिर से नॉट कर लीजिए यदि खुल रहा है तो। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इनको तलेंगे। ये देखिए ये नहीं खुला क्योंकि मैंने इसमें टूथपिक लगा दी थी दोस्तों। इस तरह इसे तेज गैस पे सेकना है हमें। ये देखे
अलट पलट करते हुए मैंने इसे सेके रेडी कर लिया इस तरह। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट। इसी तरह हम सभी को तलेंगे। आप एक साथ दो तल सकते हैं तो दो तलिए, जितना आपके ऑयल में आ जाए। चलिए अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। खुलता है दोस्तों, ये देखिए, ये नहीं खुला है मेरा। इस तरह दबा के रखेंगे, नहीं तो ये गठाने खुल जाएंगी। आप चाहें तो इसे धागे से बांध भी सकते हैं, टूथपिक भी लगा सकते हैं। अब यह सिक गया है हमारा, अभी को तल लिया है। अब हम इसमें और मसाले भूनेंगे। फ्राई करके निकाल लिया है, जो तेल था वो नीचे आ गया है पत्तों से। हमने फ्राई किया था ना, तेल किनारे पे आ गया है। अब हम इसमें, मैंने टूथपिक लगा रखी है, इसको खुलना नहीं चाहिए, चाहे आप धागे से बांधें चाहे आप टूथपिक लगाएं। चलिए अब इसके मसाले को फ्राई करते हैं। और ये जो बचा हुआ तेल है, जो हमारा फ्राई करने से तेल निकला है, ये सब हम मसाले में यूज करेंगे, मसाले के साथ यूज कर लेंगे। तेल में मैंने फ्राई किया था, उसी तेल में हम इसकी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसी ऑयल में हम कर रहे हैं जिसमें फ्राई किया है। आधी चम्मच मेथी दाना है और मेथी दाने से ही हमें तड़का लगाना है। दो लाल मिर्च डाली है मैंने खड़ी इसमें। देखिए, जो मसाला पीस के डाल रखा था सिलबट्टे पे मसाला, वो डालेंगे, अच्छे से भून लेंगे। ये हमने जो सिलबट्टे पे मसाला पीसा था, ये देखिए दोस्तों, उसको हम अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसी कटोरी से। मैंने 4 चम्मच के करीब पानी लिया है मसाले में। अब इसे हम अच्छे से भून जाने देंगे ना, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे दोस्तों। ये देखिए, मसाले को हम इसी तरह भूनेंगे। ये आम की कली है जो मैंने 2 ली है। आप चाहें तो आधी स्पून के करीब अमचूर पाउडर डाल दें। आप, मैं आम की डाल रही हूँ, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। और चम्मच, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार है। ये सेंधा नमक यूज करती हूँ दोस्तों, इसलिए 1 स्पून डाल रही हूँ। सेंधा नमक कम कड़वा होता है, इसलिए मैंने 1 स्पून डाला है। यदि आप नॉर्मल नमक डालें तो 1/2 स्पून से कम नमक स्वाद अनुसार है। इस तरह भून लेंगे। मसाला हमारा ऑयल छोड़ना शुरू कर रहा है, ये देखिए दोस्तों। स्लो गैस पे ही हमें मसाले को भूनना है, पास से दिखा दे रही हूँ। मसाले को कम से कम हमें 5 मिनट भूनना है, इसी तरह स्लो गैस पे 5 मिनट, जब तक इसका पानी ना सूख जाए और ऑयल ना दिखने लगे। ऑयल दिखने तक हमें मसाले को भूनना है 5 मिनट ढक के। ये देखिए, मैंने इसे ढक दिया है। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, और गैस की फ्लेम स्लो है। ये देखिए दोस्तों, इसे हम खोल के चेक कर रहे हैं, ये कितना ऑयल छोड़ा है। इस तरह ऑयल छोड़ दे मसाला आपका, तभी हम इसे खोलेंगे। ये देखिए, हमने 5 मिनट पकाया इसे, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। जितना आप मसाले को पकाएंगे अच्छा स्लो गैस पे, उतनी ही आपकी सब्जी का स्वाद बढ़ेगा दोस्तों। और ये चिकन मटन को भी फेल करता है। एक बार आपने यदि ये सब्जी बना के खा ली तो आप भी कहेंगे कि इसके आगे चिकन भी आपको पसंद नहीं आएगा दोस्तों। मछली जैसे बनाते हो ना आप, उससे भी स्वादिष्ट ये सब्जी बनेगी। एक बार ज़रूर बनाइए। ग्रेवी देखिए आप दोस्तों, बिल्कुल जैसे हम चिकन मटन बनाते समय बनाते हैं ग्रेवी। ये देखिए, आप लोग ज़रूर बनाइए इस सब्जी को दोस्तों। ये मैं 3री रेसिपी लेके आ रही हूँ अरवे की, पत्तों की। और मेरे घर में ये सब्जियाँ बनती है, इस समय ये मौसम चल रहा है, तो ज़रूर बनाइए आप। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो भी बहुत पसंद करी है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसे भी बना के ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्तों। ये देखिए, 5 मिनट मैंने ढक के मसाले को पकाया था, तो 2 मिनट खोल के पका रही हूँ, भुना है। और ये देखिए, अब ग्रेवी हमारी अच्छे से ऑयल छोड़ने लगी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, और हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं दोस्तों, पानी भी हमें थोड़ा ही डालना है। देखिए, ये 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी है। ये देखिए, आप कोई भी 1 कटोरी लीजिए, चाहे छोटी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालिए। ये मेरी बड़ी कटोरी है, इसलिए मैंने थोड़ा खाली छोड़ा है इसको। ये देखिए, अब हम पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम फुल पे कर देंगे। फुल पे कर दिए। ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी का कलर है ना, बिल्कुल मटन जैसी।
इसका स्वाद भी बहुत गजब होगा दोस्तों। रेसिपी को एंड तक देखिए और खाने के बाद बनाने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। खोलने लगा है ये देखिए, 2 मिनट हमें इसी तरह खोलाना है इसको। 2 मिनट दोस्तों, इस सब्जी को बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है दोस्तों। और मीडियम गैस पे खोलने देंगे इस मसाले को। हो गया इसे खोलते हुए, ये देखिए दोस्तों, अब ग्रेवी हमारी गाढ़ी होने लगी है। हमारी ग्रेवी अब रेडी है। अब इन पत्तों को हम डालेंगे। ये देखिए, जो हमने पत्ते फ्राई करके रखे हैं ना, ये पत्ते फ्राई करके वो डाल रहे हैं। इस तरह डाल देंगे सभी को। गैस की फ्लेम मीडियम रखना इस समय, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे इस तरह, धीरे धीरे चलाइएगा दोस्तों। इनको खुलना नहीं चाहिए मसाले में। अब इसे हम स्लो गैस करके, चलिए अब इसे हम 5 मिनट फ्रा लेते हैं। ढक के ढक देंगे 5 मिनट के लिए दोस्तों। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करें। 5 मिनट हो गया, इसे खोल के चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए हमारी ग्रेवी, अब इसे हम पलटा देंगे इस तरह। ग्रेवी भी रेडी हो गई है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये खुले नहीं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम इस तरह पलटा देंगे सभी को और सब्जी पका के। और हम इसको बस 1 मिनट खोल के पका रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सब्जी मेरी रेडी है। ये देखिए दोस्तों, सब्जी मेरी रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। चलिए सर्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। गैस की फ्लेम बंद कर रहे हैं, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ दोस्तों। चलिए आपको सर्व करके दिखा देती हूँ मैं ये सब्जी को। इसमें सर्व करके फिर दिखाती हूँ। सब्जी का कलर देखिए आप, बिल्कुल लग रही है ना मछली की तरह, चिकन मटन जैसे बनाते हैं मछली, बिल्कुल लग रही है। चारों तरफ से देखिए दोस्तों, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ सब्जी का कलर। दोस्तों एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए, और पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।